हम हिंदी वालों पर आचार्य द्विवेदी जी के उपकारों का बोझ लदा हुआ है। हमारे लिए उन्होंने वो तपस्या की है जो हिंदी साहित्य की दुनिया में बेजोड़ ही कही जाएगी। हिंदी के लिए उन्होंने तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया। अगर वो ना होते तो अभी बेचारी हिंदी कोसों पीछे होती। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का काम भी किया। प्रेमचंद। ये कहानी है मान सम्मान की, साहित्याकाश के दे दीप्यमान की। 25 साल यूं कम नहीं होते, लेकिन समाज में कुछ सार्थक करने की कोशिशों के लिए ढाई दशक का समय कुछ ऐसे निकल जाता है जैसे अभी कल की ही बात हो। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति संरक्षण अभियान भी कुछ ऐसे ही अनुभव से गुजरता हुआ आप सबके सहयोग और स्नेह से यहाँ तक पहुँचा है। रायबरेली से ये अभियान 9 मई 1998 में ऐसे वक्त शुरू हुआ जब युग प्रवर्तक साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी को उनके अपने जनपद का हिंदी भाषी समाज ही भूल चुका था। जन्म स्थान दौलतपुर रायबरेली में ही उनकी निशानियां मिटने के कगार पर पहुंच चुकी थी। तब अपने इस पूर्वज की याद को संजोने और धरोहरों को संभालने के लिए ढाई दशक पूर्व रायबरेली जनपद के कुछ पत्रकार और हिंदी प्रेमी आगे आए। हिंदी को बनाने और संवारने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गांव में हम लोग एक सिंपल रिपोर्ट बनाने गए थे। उस यात्रा में हमारे साथ फिरोज नकवी, विनय द्विवेदी आदि थे। उनके घर की दुर्दशा देखी नहीं गई। हम सब पत्रकार मित्रों ने, हिंदी प्रेमियों ने मिलकर निर्णय लिया कि आचार्य जी का एक स्मृति संरक्षण अभियान शुरू किया जाए। स्मृति संरक्षण अभियान में पूरे जनपद में आचार्य स्मृति द्वार बने, सभागार बने और बने वैचारिक महल। वर्ष 2015 में द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ पुनः प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद के संपादन में प्रकाशित विज्ञान वार्ता पुस्तक भी इस दौर में फिर छपकर सामने आई। वर्ष 2004 में रायबरेली से देश के श्रेष्ठ कवि बाल कवि बैरागी के एकल काव्य पाठ से राष्ट्रीय आयोजन प्रारंभ हुआ। रायबरेली से तत्कालीन कैप्टन सतीश शर्मा ने सांसद निधि से दौलतपुर में पुस्तकालय वाचनालय भवन निर्मित कराया। अमेरिका में हिंदी का प्रचार कर रही श्रीमती मंजू मिश्रा, वरिष्ठ कवि एवं आलोचक श्री अशोक बाजपेयी, देश के वरिष्ठ कवि श्री उदय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार श्री राम बहादुर राय, वरिष्ठ पत्रकार श्री पी साईनाथ मुंबई, देश की प्रमुख कथाकार श्रीमती चित्रा मुद्रल जी, गीतकार मनोज मुंतशिर, डॉक्टर नामवर सिंह, भारत यायावर, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, रामदेव धुरंधर, मॉरीशस, ख्याति प्राप्त पत्रकार प्रभाष जोशी, वेद प्रताप वैदिक, अच्युतानंद मिश्र, पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर, अनाथों की मां सिंधुताई सपकाल, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, अरुणा राय, सुधा वर्गीज, डॉक्टर प्रकाश आमटे, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, देश की पहली ट्रांसजेंडर मदर सुरेश गौरी सावंत, एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा शामिल हुई, सम्मानित हुई। 25 साल के इस सफर में आम जनमानस के जहन में आचार्य द्विवेदी जिंदा हुए, हर खास आम की जुबान पर चढ़े। यहाँ पर 18 से प्रत्येक वर्ष साहित्यकार लोगों का मेला लगता है। देश विदेश के लोग यहाँ इनके स्थल को देखने के लिए आते हैं। पुस्तकालय बना, मूर्ति बनी, अनावरण हुआ, हर वर्ष मेला भी लगता है। विचार में उतरे, विद्वानों के विमर्श का हिस्सा बने। देश हो या प्रदेश या उनका अपना जनपद रायबरेली, अब साहित्य और राजनीति की सभाएं बिना उनके स्मरण के शुरू नहीं होती। अवसर विशेष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिंदी साहित्य जगत के
सर्वमान्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि भी है। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आचार्य द्विवेदी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर चुकी हैं। सभी जानते और मानते हैं कि हिंदी के प्रथम आचार्य की उपाधि से विभूषित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी का परिष्कार किया और साहित्य के अनेक विधाओं को पुष्पित पल्लवित किया। 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादन का कालखंड हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से आज भी जाना जाता है। अपने समय के 30 करोड़ भारतीयों पर भाषाई अनुशासन लागू करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली जनपद के गंगा के किनारे बसे दौलतपुर में 9 मई 1864 को हुआ था। करीब 80 से अधिक मौलिक और अनुदित पुस्तकें लिखने वाले आचार्य द्विवेदी ने ग्राम सरपंच के रूप में भी समाज सुधार के अनेक काम किए। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी न्यायशीलता का भी परिचय दिया। हिंदी के साहित्याकाश का ये सूर्य 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली शहर में अस्त हो गया। समाज तो हमारे साथ खड़ा है, लाखों की तादाद में आचार्य जी के अनुयायी और हिंदी प्रेमी ये चाहते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जन्म स्थान पर ज्ञान का मंदिर बने, उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया। और अभी हम लोगों को उम्मीद है कि अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है, जो उम्मीद के अनुरूप यहाँ काम होगा। हम लोग चाहते हैं कि द्विवेदी जी के नाम के हिसाब से राष्ट्रीय स्मारक बने। समिति का लक्ष्य है कि आचार्य जी की कृतियों को समाज के सामने लाने का। ऐसे आचार्य द्विवेदी को करोड़ों भारतीयों और हिंदी प्रेमी जनों की ओर से शत शत नमन। महावीर का नाम है, महावीर का काम है, ऐसे पूज्य महावीर को बारंबार प्रणाम है। आचार्य द्विवेदी की स्मृति को जीवंत बनाने में रायबरेली उत्तर प्रदेश की संस्थाओं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति न्यास को सक्रिय सहयोग देने के लिए आप सभी हिंदी प्रेमी जनों का भी शत शत अभिनंदन वंदन। सूरज प्रोडक्शंस, योर इमेजिनेशन इज आवर क्रिएटिविटी।